एक नया फोल्डर ऐड करवा रहा हूं, ऐड न्यू आइटम नहीं बल्कि ऐड एट ASP.NET फोल्डर ऐप अंडरस्कोर ग्लोबल रिसोर्सेज। सही है, लोकलाइजेशन अलग चीज है, ग्लोबलाइजेशन अलग चीज है। अब डिफॉल्ट और ASP.NET पे आके मैं कुछ चेंजेस करता हूं। क्या चेंजेस करता हूं, पहले तो मैं यहां एक ड्रॉप डाउन ऐड करवा देता हूं, और ये जो क्या चोरपन चल रहा है, तुम जब सा लगे हो बेटा कुछ ना कुछ, क्या मसला है बताओ, हैं कौन है, नाम बताओ, हैं नाम तो बता दो, चले यहां पर हम जो है वो इस ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ आइटम्स ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे, तो पहला नाम जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो अरबिक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अरबिक की वैल्यू देनी पड़ेगी हमें AR, यानी कि उसकी वैल्यू। फिर हम यहाँ पे जनाब उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी UR। फिर हम यहाँ पर इंग्लिश ऐड कर रहे हैं, और इंग्लिश की हमें वैल्यू देनी पड़ेगी EN। अच्छा ये आप EN-US कर लें। अच्छा फिर जनाब यहाँ पे मैं फ्रेंच लिख रहा हूँ, और फ्रेंच के लिए मैं यहाँ पे कोड दे रहा हूँ FR। फिर यहाँ पर मैं इटालियन लिख रहा हूँ, ये मैं किसी मकसद की वजह से लिख रहा हूँ, एक वजह है, इस वजह से ये सारी लैंग्वेजेस दिखाऊंगा आपको। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब जर्मन, जर्मन का कोड होता है DE। और फिर मैं यहाँ पे चाइनीज लिख रहा हूँ, चाइनीज का कोड होता है ZH। अब ये कोड कहाँ से मिलेगा, ये एक मसला है, तो उसके लिए आप जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जाके उसमें देख सकते हैं, वो भी पुराने वाले में, ठीक है, या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा कोड। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने ड्रॉप डाउन में ये सारी वैल्यूज ऐड कर दी, यानी कि सोर्स में जाके देखें तो ये लैंग्वेजेस हैं और उनका जो है ना पीछे कोड लिखा हुआ। अब आपको क्या करना होगा, आपको करना ही होगा कि रिसोर्स साइलेंट की ऐड करनी है। तो लोकलाइजेशन जो है उसमें क्या था कि हर रिसोर्स फाइल में पेज का नाम भी था और लैंग्वेज का कोड भी था। यानी अगर मेरे पास 10 पेज हैं और मैं 2 लैंग्वेजेस की सपोर्ट देना चाह रहा हूँ तो मुझे 20 रिसोर्स फाइल बनानी पड़ेगी। अगर मेरे पास 10 पेज हैं और मैं 10 लैंग्वेज की सपोर्ट देना चाह रहा हूं तो मुझे 100 रिसोर्स फाइल बनानी पड़ेगी। सही है, ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में लिए हर लैंग्वेज के एक रिसोर्स फाइल होती है। तो मेरे पास चाहे 10 पेज हो, चाहे 50 पेज हो, चाहे 100 पेज हो, अगर 2 लैंग्वेजेस की सपोर्ट दूंगा तो 2 ही रिसोर्स फाइल, ठीक है, इसका तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर मैं एक रिसोर्स फाइल ऐड करता हूँ, ये मैंने रिसोर्स फाइल ऐड करी, तो इसका नाम मैं रिसोर्स ही रखूंगा, और लैंग्वेज कोड अगर मैं नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये इंग्लिश की रिसोर्स फाइल है, ठीक है, डिफॉल्ट है। इसमें मैं किसी कंट्रोल को उसकी आईडी या रिसोर्स की से भी एक्सेस नहीं कर सकता, मैं जो दिल चाहे यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ txt, सही है, और यहां पे मैं लिख देता हूं वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग, अच्छा इसी तरीके से मैं यहां पे कलर के लिए CLR लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, और कलर मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया जनाब ब्लू। अच्छा इसी तरह यहाँ पे मैं FCL लिख देता हूँ फॉर कलर के लिए, और वो मैं लिख देता हूँ वाइट। अच्छा अब ये अप्लाई कैसे करेंगे हम, उसके लिए आप करते ये हैं कि टूल बॉक्स के अंदर से एक लेवल आपने अगर ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया तो अब ये ब्राउजर की सेटिंग देख के नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सप्रेशंस प्रॉपर्टी, एक्सप्रेशंस के अंदर ये बाइंडेबल प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं इसकी, यानी ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी डेटा सोर्स से बाइंड हो सकती है। जैसे इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है
उसको मैं किसी रिसोर्स से बाइंड कर सकता हूँ, और वो जो रिसोर्स होगी वो ये रिसोर्स होगी, और जो रिसोर्स की है वो ये TXT होगी। तो मेरा जो लेबल है वो बाइंड हो गया। आपको फौरन ये यहाँ पर नजर भी आ गया, अभी पेज रन भी नहीं किया मैंने। हाँ, अब देखें आप कलर को बाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बैक कलर सेलेक्ट किया, इसको किया रिसोर्सेस, यहाँ पे लिखा रिसोर्स, और यहाँ पे हमने सिंपल कलर सेलेक्ट किया। फिर हम दोबारा गए यहाँ पर और हमने फॉर कलर सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने रिसोर्स किया, ये आ गया रिसोर्स फॉर कलर। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आपने बाइंड कर दिया और ये डिफॉल्ट के साथ बाइंड हो गया। इसके लिए पेज को रन करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन अभी हमने जो रिसोर्स फाइल बनाई है वो सिर्फ इंग्लिश की बनाई है। अब हम बाकी लैंग्वेजेस की बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम बना देते हैं अरबिक के। अब बनाएंगे resource.ar.rsx। अच्छा, आप ar.rsx के अंदर ये जो वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग है इसको हम ट्रांसलेट करवा देते हैं। सही है, ये मैंने कॉपी करके यहां लिख दिया, कलर चेंज कर दिया। अच्छा, फिर हम यहां पे बना देते हैं उर्दू की। यहां पे हमें कोड के लिखना पड़ेगा यू आर, और यहां पे हमें लैंग्वेज रखनी पड़ेगी उर्दू। ये मैंने कॉपी किया, आप टाइप भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तमाम लैंग्वेजेस टाइप करने की भी आपको फीचर देता है। सही है, जैसे मैंने यहाँ उर्दू ऐड करी हुई है, मैं और भी लैंग्वेजेस यहाँ ऐड करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर आपको कीबोर्ड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से एक और रिसोर्स फाइल हम ऐड करते हैं, फ्रेंच की ऐड करते हैं। तो फ्रेंच के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा FR .rsx। FR जो है उसका कोड पता चल गया, ट्रांसलेशन करेंगे तो ये फ्रेंच लिखी हुई है, पढ़ लें। ठीक है जी, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, नहीं रेड एंड व्हाइट करते हैं। और सॉरी, मैंने ये उर्दू में चेंज कर दिया FR। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है वो, फिर हम एक और रिसोर्स फाइल ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर मैं लिखूंगा resource.it इटालियन। तो ये है जनाब इटालियन, पढ़ ले। और फिर इसी तरीके से जर्मन, ये जर्मन है, तो जर्मन जो है उसमें DE अच्छा, और फिर एट दी एंड सबसे आखिर में चाइनीज। तो चाइनीज के लिए मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं ZH। मैं तो बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो सुकून से करिएगा ऐसे। ये आ गई चाइनीज, चाइनीज की तरह भाई, ये रही। पढ़ सको तो पढ़ लो सही, वेब तो चेंज नहीं किया भाई, ये उनसे पूछो यार। चलें, अब ये हमने रिसोर्स फाइलें बहुत सारी ऐड कर दी हैं। अब होगा क्या कि ड्रॉप डाउन के चेंज के ऊपर
अगर हमने लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लैंग्वेज है ये भी इनिशियलाइजेशन के फेज में सेट होती है, और जब ये इसका चेंज इवेंट कॉल होगा तो उस वक्त तक लैंग्वेज सेट हो चुकी होगी। एग्जैक्टली जो बात हमने देखी थी कहां पर, थीम के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम है इनिशियलाइज कल्चर। इनिशियलाइजेशन के फेज में कॉल होता है, लैंग्वेज सिर्फ इसमें चेंज हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि थीम जो है हमने कहा था ऑन प्री इनिट में चेंज होती है, तो थीम किस में चेंज होती है, कौन से मेथड में होती है? ऑन प्री इनिट में। और लैंग्वेज किस में चेंज होती है? थीम किस में चेंज होती है? और लैंग्वेज किस में चेंज होती है? जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया वो चिल कर। तो अब यहां पर जो है मैं लिख रहा हूं इफ रिक्वेस्ट डॉट, बल्कि रिक्वेस्ट फाइनल में एमसीक्यू जाएंगे, आपको पता है ना, मिड टर्म हो गए, आप लेट आए ना, आप देर से आए थे, आपको क्या पता। अच्छा, अब यहां पे जनाब ड्रॉप डाउन लिस्ट वन, ये मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये मैं रिक्वेस्ट में से क्यों निकाल रहा हूं भाई? हाँ, मैंने आपको बताया था ना अभी तक VState लोड नहीं हुई है। यार थके हुए तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आप कोडिंग करने बैठे हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट वन जो है इसमें VState लोड नहीं हुई हुई, लिहाजा इसकी वैल्यू अगर मैं सेट अभी यहाँ एक्सेस करूंगा ना तो वो पहली वैल्यू देगा हमेशा, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट में से उठाऊंगा ताकि मुझे वो वैल्यू मिले जो यूजर ने सिलेक्ट करी। अच्छा, अब मैं यहाँ लैंग्वेज चेंज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ, कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड समझाऊंगा आपको। सही है? ठीक है, अच्छा जी आप जरा आउटपुट चेक करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने किया गया। तो अभी ये होगा कि अच्छा एक काम आपको और करना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉप डाउन है इसकी ऑटो पोज बैक प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा ताकि इसके चेंज के ऊपर क्या हो, पेज क्या हो, पोस्ट बैक हो। अब देखें अरबिक यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, हमने यहाँ उर्दू कर दी, फिर ये इंग्लिश हो गई, ये हो गई फ्रेंच। अब इधर फ्रेंच नजर आ रही है, ऊपर इंग्लिश क्यों नजर आ रही है? ऊपर चेंज नहीं किया, ऊपर में फ्रेंच की रिसोर्स फाइल थी नहीं तो उसने डिफॉल्ट उठा ली कौन सी, इंग्लिश। नहीं नहीं सिर्फ इसका होगा ना जो इससे कनेक्टेड है, वो तो लोकलाइजेशन हुई है ना, लेकिन ये कि जब हम ये अरबिक करते हैं तो उसको अरबिक की रिसोर्स फाइल मिल जाती है तो वो उठा लेते हैं, कर तो ये उसके लिए भी रहा है, लेकिन फ्रेंच का मसला ये है कि यहाँ पे इसकी रिसोर्स फाइल नहीं है। ठीक है ना, तो वो कनेक्ट ही नहीं है किसी से भारत, तो ये चेंज तो हो रहा है। सही है, अब हो क्या रहा है ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं थ्रेडिंग और एक यूज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन।
थ्रेडिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी यूजर होते हैं ना, हर एक का अलग अलग थ्रेड होता है। एक वेबसाइट को एक वक्त में बहुत सारे लोग व्यू कर रहे हैं, तो हर सर्वर हर एक का अलग अलग थ्रेड बना के चल रहा है, इसलिए कि अगर एक यूजर चेंज कर रहा है तो तमाम यूजर की थोड़ी होगी, सिर्फ उसी यूजर की होगी। ये बात समझ में आ रही? तो इसमें जो प्रोसेस होता है ना, वो इस तरह का होता है कि तमाम यूजर को इक्वल टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक यूजर अगर वेबसाइट खोल के बैठ गया है तो जब तक वो जाएगा नहीं, दूसरा यूजर जो है ना वेबसाइट खोल नहीं सकता, या एक यूजर कोई टास्क जो है ना वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो जब तक उसका परफॉर्म नहीं होगा दूसरे वेट करते रहेंगे। सबको इक्वल टाइम मिल रहा होता है, मल्टीटास्किंग हो रही होती है। सही है, आप कुछ कह रहे हैं? टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, क्या कर चेंज करना है? मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आपने उस पैराग्राफ को मिसाल के तौर पे एक डिव में बनाया, तो आप डिव के अंदर एक एसपी का लेबल ले लेंगे और उसको खाली छोड़ देंगे, और वो पूरे का पूरा पैराग्राफ अरबिक में, अरबिक की रिसोर्स फाइल में पड़ा होगा, इसी रिसोर्स फाइल में रख देंगे ना, और उस लेबल को इससे कनेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो जब आप हर लैंग्वेज के अंदर आपको वो पैराग्राफ अलग अलग लिखना होगा उसकी रिसोर्स फाइल में, और जब आप लैंग्वेज चेंज करेंगे तो पैराग्राफ में टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसलेटर या जो कंटेंट राइटर होगा जो कि दोनों लैंग्वेजेस जानता हो, उसके बगैर गुजारा नहीं। ये बहुत बहुत ही ज्यादा ये इस वक्त जो है ना वो आप कह सकते हैं कि इन है मार्केट के अंदर। सर चाइनीज का बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की जो उर्दू और चाइनीज दोनों जानते हो। कंटेंट राइटर होते हैं और इस तरह के लोगों की इस पर डिमांड है जिनको उर्दू और चाइनीज दोनों आती है, क्योंकि उसको उर्दू को भी चाइनीज में कन्वर्ट करना है और चाइनीज को भी उर्दू में कन्वर्ट करना। चले भारत, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम, मैं कह रहा था कि हर यूजर की अलग अलग थ्रेड है, तो हम उसके अंदर दो चीजें चेंज कर रहे हैं, एक कर रहे हैं कल्चर और एक कर रहे हैं यूआई कल्चर। अभी कल्चर जो है ना, इसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज नहीं होता, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यानी इसको समझने के लिए देखें, काम ही करते हैं हम कि मैं यहां पर एक लेबल और लेता हूं, इस लेबल को हम कह देते हैं प्रॉपर्टीज में जाकर LBL करेंसी। अच्छा, अब CS में हम क्या करेंगे, पेज लोड के अंदर मैं यहां पर एक अमाउंट लिख रहा हूं, डबल अमाउंट इक्वल्स टू 1234567 89, ये एक मैंने कुछ अमाउंट लिख दी। अच्छा, अब ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ख्याल में कितनी अमाउंट है? एक लाख 23,400 इस तरह कुछ है ना, क्योंकि आपका एक जहन में फॉर्मेट है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर जनाब मैं लिख रहा हूँ 0:C। जी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। अच्छा, ये मैंने किया ये है कि ये जो अमाउंट है इसको मैंने करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेबल करेंसी में दिखा दिया। ठीक है, ये जो जीरो है ना, ये इस तरह जैसे वो सी के अंदर हम लिखते हैं ना परसेंटेज डी और कॉमा करके वेरिएबल लिख देते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह आ जाती है, तो ये उस पर। और जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आई तो टेंशन ना लें, जरूरी नहीं हर चीज समझ में आए, रटा लगा लें इसका। ठीक है, सही है। तो ये अमाउंट जो है वो करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर इधर आ जाएगा। अब आप होगा क्या कि जब आप वेबसाइट रन करेंगे तो कल्चर जो है उसके हिसाब से आपको अमाउंट भी नजर आएगी। जैसे कि इस वक्त जो कल्चर है अगर उर्दू है तो उर्दू में देखें यहाँ पर रुपीज लिखा हुआ नजर आ रहे हैं, और यहाँ कॉमा जो है वो 1000 सेपरेटर है, यानी ये 23,000, 1,23,000। और इंग्लिश कल्चर भी यही है।
अच्छा, अगर आप फ्रेंच में जाते हैं तो वहां हिसाब थोड़ा डिफरेंट है। फ्रेंच में कॉमा जो है ना वो डेसिमल सेपरेटर है और स्पेस जो है ना वो थाउजेंड सेपरेटर है। यानी अगर आपने फ्रेंच के सामने लिखा 1,222 तो पड़ेगा 1.222। समझ आ रही बात? अच्छा, इसी तरीके से इटालिया इटली वाले जो हैं वो उल्टे हैं, या पता नहीं हम उल्टे हैं। इनका डॉट जो है ना वो थाउजेंड सेपरेटर है और कॉमा डेसिमल सेपरेटर है। समझ में आ रही बात? ये दूसरी जो जंग अजीम हुई थी ना उसमें जितने थे ये सारे उल्टे हैं। जर्मन जो है इनका भी यही हिसाब है, ये डॉट को डेसिमल सेपरेटर नहीं लेते, थाउजेंड सेपरेटर है इनका। चाइनीज पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ कल्चर चेंज हो रहा है। ये ध्यान में रखिएगा इसको, बात को आपसे बेहतर कौन जानता है कि 1 डॉलर में और 1 पाकिस्तानी रुपये में कितना फर्क है, ये आप जानते हैं। हाँ ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, थाउजेंड और डॉट सेपरेट। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, कल्चर में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे कल्चर चेंज हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि लैंग्वेज का कोड हम उठा रहे हैं और ये कल्चर इन्फो की क्लास का एक मेथड है, उसमें कोड पास कर रहे हैं, तो वो करंट कल्चर भी चेंज कर रहा है, करंट यूआई कल्चर भी चेंज कर रहा है। तो जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन होती है उसमें ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि अगर हमने कैलकुलेशन डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। तो उसमें फिर हम सिर्फ यूआई कल्चर चेंज करते हैं, कल्चर चेंज नहीं करते। इंटरनल कल्चर हमेशा इंग्लिश ही रहता है, सिर्फ यूजर को डिस्प्ले करने के लिए उनके हिसाब से कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। अभी आप खुद भी सोचे ना, जैसे आपको एक आदत है कॉमे की और डॉट की, अब आपके सामने अगर कोई लिख भी देगा ना 1,25 तो आप 1025 ही पढ़ेंगे उसे, हालांकि वो अपने उन इसी तरह उनको भी कुछ आदत है चीजों की। तो ये कल्चर चेंज करना बड़ा जरूरी हो जाता है जब आप मल्टीनेशनल टाइप की कोई चीज बना रहे होते हैं, और ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज में होते हैं। ठीक है भाई, ये ग्लोबलाइजेशन, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत आइडिया दिया, हल्का सा इंट्रोडक्शन। ये जब आप एक बड़ा पेज बनाएंगे और उसमें बहुत सारे टेक्स्ट होगा तो ये बड़ा इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सही। अच्छा, ये जो लैंग्वेज चेंज हो रही है ये हो भी सिर्फ और सिर्फ इस पेज की हो रही है, और मजे की बात ये कि ये लैंग्वेज जो चेंज हो रही है अगर आप पेज को रिफ्रेश कर दें या पेज बंद कर दोबारा खोलें तो वो डिफॉल्ट वापस आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो क्या करना पड़ेगा आपको, वही जो बात मैंने थीम में बताई थी कि आपको ये चीजें डेटाबेस में सेव करनी पड़ेगी, यूजर स्पेसिफिक। यूजर की जो सेटिंग्स हैं वो डेटाबेस में सेव होंगी, फिर जब यूजर लॉगिन होगा तो डेटाबेस से सेटिंग उठ के अप्लाई होंगे। सही है, ठीक है, गुस्सा उस्सा तो नहीं आ रहा आप? हाँ चलें जी, अगली क्लास जो है उसमें हम जरा डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी डेटाबेस का थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये टॉपिक हम देख रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो किया उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको खुद ही दूर कर लें। ठीक है, पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे सकता, वो आप अगर मुझे फोन कर ले तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता दूंगा। जी हाँ, क्लास 3 बजे ही होगी। ठीक है, सही है, कोई और बात? चले ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अबे यार मेरी हालत खराब हो रही है। सर उसमें पेज है, सेकंड क्लास की स्लाइड भी अपेंड हो गई है यार, वो अदनान खड़ा है ना, उससे बोल दो पीछे अदनान, ये अदनान इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो।
है।